चमड़े से पैदा हुआ हूँ तो चमार हूँ। और कोई यहाँ भी कोई कह सका कि मैं ठाकुर हूँ या ब्राह्मण हूँ या पंडित हूँ, तो कोई ब्राह्मण पंडित नहीं, ठाकुर कोई नहीं है, सब चमार बंश चमार से निकला है, चमड़ा से वो चमार है। योगी हमको खाना देता है या पानी देता है, मैं अपने हिम्मत अपने बाजुओं से कमाता हूँ। मोदी तो अगर जो कहता है कि मैं चाय पी बेचने वाला प्रधानमंत्री हूँ, अगर वो चाय बेचता वो गरीब आदमी होता तो उसको गरीबी की महसूस होती। वो लुटेरा आदमी लूटता खाता रहता है, देश को भ्रमण में डाला है। बीजेपी सरकार जो है निकम्मी है, ये चोर है, हर जगह चोरी कर रही है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो 80 हज़ार 90 हज़ार रुपया तनख्वाह पाते हैं, उनको 65 दिन पूरा काम मिलता है, और गरीबों को साल 100 दिन का काम मिल रहा है लेकिन 100 दिन पूरा भी नहीं मिल रहा है, 20 दिन काम मिल रहा है और 2-2 महीना काम करा के पैसा नहीं मिलता है। मोदी जी कह रहे चोरी खत्म कर दी हमने। अरे चोरी क्या खत्म कर, वो खुद खत्म हो जाएगा। कह रहे फिर रिफंड का राशन आप लोगों को मिल रहा, खाइए। देखिए हम मजदूर किसान हैं, दिक्कत क्या है अभी आपको? दिक्कत हमें को यही है कि मजदूरी हमको नहीं मिल रही है, न तो राशन कार्ड ढंग से मिल रहा है। क्या अगर 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा, 213 रुपया में मजदूरी में पेट भर जाएगा? आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ हम मजदूर हैं। पर आप तो महात्मा लग रहे हैं। महात्मा तो हम हैं लेकिन हम पूजा पाठ करते हुए अपने परिवार को देखता हूँ। अच्छा, बच्चे अच्छे हैं? हाँ हमारे पास 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ हैं। मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हाँ आपका आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं हम चमार वंश के हैं, क्षत्रिय हैं। हम चमार हैं, हम जब चमड़े से पैदा हुआ हूँ तो चमार हूँ। और कोई यहाँ भी कोई कह सका कि मैं ठाकुर हूँ या ब्राह्मण हूँ या पंडित हूँ, तो कोई ब्राह्मण पंडित नहीं, ठाकुर कोई नहीं है, सब चमार वंश चमार से निकला है, चमड़ा से वो चमार है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा? हिंदू राष्ट्र में चोरी है। हिंदू राष्ट्र में चोरी है? हाँ। राम राज्य है? राम राज क्या कह, राम राज यहाँ पर नहीं है, राम राज तो जबरदस्ती चला जा रहा है। हाँ कहाँ से? यूपी से आते हैं ना? हाँ आप लोग कहते हैं कि SC ST पद के चार हो रहे हैं, सच है? हाँ सच है, ये सत्य है। योगी राज में आप रहते कर डंका बज रहा हनुमान है वो। योगी क्या हमको दिया है? ये योगी का कपड़ा है? योगी हमको खाना देता है या पानी देता है? मैं अपने हिम्मत अपने बाजुओं से कमाता हूँ, बाजुओं से खाता हूँ और मुझे कोई भीख नहीं देता। आपके लिए अच्छी अच्छी योजना तो लाते हैं ना योगी जी? क्या हमको योजना कुछ नहीं मिली है? नहीं मिली है। गौ रक्षा कर रहे हैं वो? गौ तो हम भी रक्षा करते हैं, हमारे पास भी गौ हैं, हम अकेले हैं, हमारे पास हम लोग दो प्राणी हैं लेकिन हम 4 गाय और बकरियां रखे सब कुछ रखे हैं, उनकी सेवा तो हम भी कर रहे हैं। ये भूख की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है? भूख की पेट की लड़ाई दोनों है और हम लोग को मजदूरी और जितना जो चोरी हो रही वो चोरी बंद किया जाए, और हमारे जो भाई लोग जवाब कर रहे हैं उसका सवाल वो दे। हाँ उसका जवाब दे, सवाल हम लोग कर दिए हैं लेकिन उसका जवाब हमको चाहिए और जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। क्या मांग है? मांग क्या है? हमारी मांग वही है कि 800 रुपया मजदूरी और 365 दिन काम चाहिए। 800 रुपया मजदूरी? हाँ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा कहाँ है, ये बताइए कि तेल 200 रुपया किलो हो गया है, दाल जो है कि 150 रुपया किलो हो गई है, बताइए कैसे हम खरीदेंगे? महंगाई लगती है हमको? हाँ महंगाई हमको लगती है, सबको लगती है। वो वित्त मंत्री कह रही है महंगाई है नहीं देश में। भाई उनको तो पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो गरीब के पास कुछ नहीं है। मोदी जी के पास कहाँ पैसा, वो भी तो फकीर आदमी। मोदी तो अगर जो कहता है कि मैं चाय पी बेचने वाला प्रधानमंत्री हूँ, अगर वो चाय बेचता वो गरीब आदमी होता तो उसको गरीबी की महसूस होती, अगर वो गरीब नहीं है तो गरीबी
नहीं महसूस होती। गरीब तो है वो कह रहे हैं। वो गरीब नहीं है, चाय बेची है मैंने। वो क्या क्या बेचेगा, वो लुटेरा आदमी लूटता खाता रहता है, देश को भ्रमण में डाला है, देश को अथवा में दबाया हुआ है। देखिए परिवार छोड़ दिया उन्होंने देश के खातिर। वो क्या छोड़ेगा भाई, वो परिवार नहीं छोड़ा, दिखावा है हम लोग का। हम लोग के सामने दिखा रहा है कि मैं परिवार छोड़ दिया हूँ, लेकिन वो चोरी चोरी अपने परिवार में जाता है, अपने माँ से मिलने जाते हैं। वो अपने माँ के खाते में, उसका माँ के खाते में देखिए कि कितना रुपया है, और मेरी माँ को, मेरी बहन बेटी को खाते में देखिए कितनी रुपया है, जो कि मजदूर और किसान हैं लोग। तो वो प्रधानमंत्री भी तो है ना। देखिए प्रधानमंत्री ठीक है, जैसे पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को, RPF माने जितने अधिकारी हैं, किसी का 80,000 है, किसी का 1,50,000 है, किसी का 60,000 है तनख्वाह, तो क्या गरीब 30,000 रुपया नहीं कमा सकते। ये सरकार संतों के लिए तो काम कर रही है ना, आप जैसे देखिए संतों के लिए वो काम कर रहे हैं, संत अपना खुद काम कर रहे हैं। आपके लिए मंदिर बनवा रहे हैं, देखिए मेरे लिए नहीं मंदिर बनाया है, वो अपने लिए मंदिर बनवाया। मंदिर तो हमारे पास है, मंदिर हमारे दिल में है, ये मंदिर हमारे पहला ये मंदिर, भगवान राम का मंदिर बनना है। देखिए भगवान राम तो आपके दिल में है, हमारे दिल में है, सबके दिल में है। अगर ये राम को नहीं मानेंगे तो क्या राम दशरथ के राजा के लड़का को मानोगे? राम वो तो दशरथ का लड़का था, और दशरथ का राजा लड़का नहीं था, वो भी शूद्र था, क्षत्रिय का। हाँ राजा का तो क्या था, राजा का कुछ नहीं था। लेकिन कोई तो काम अच्छा क्या होगा सरकार ने? सरकार कोई काम अच्छा नहीं किया है, कोई भी 8 साल में कोई काम नहीं काम किया। देखिए नोटबंदी कर दिया, किसी से नहीं बोला, अमित शाह आए और मोदी जी अपने लोग दोनों लोग बैठ करके गठन कर करके 12 बजे रात को नोटबंदी कर दिया, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया, वाड़ा का कदी जो निकला था लगा दिया खोता, जबकि एक खोते लगाए जाते थे बर्दों का, हाँ ये बैलों को लगाया जाता था, जबकि दौरी होती थी तो खोता लगाया जाता कि वो अनाज न खा पावे और घूमे। उसी तरह हमारे मन मीडिया कह रहा है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी। देखिए कुछ लोग मीडिया लोग भी बिके हुए हैं, मीडिया लोग भी बिके हुए हैं। अच्छा? हाँ अगर मीडिया लोग वाले नहीं बिके होते तो हमारे बनारस में जो मैं बोला था वो निकाला भी नहीं। आप बनारस से आते हैं? हाँ काशी के हम रहने वाले हैं, काशी के रहने। हाँ मोदी जी भी वहाँ से सांसद है। देखिए सांसद तो है लेकिन गरीबों को दबाया है, और कॉरिडोर बनवाया। देखिए उन्होंने वो किसके लिए बनवाया, बड़ों लोग के लिए, हाँ छोटे लोग के लिए नहीं है। आप नहीं जा सकते वहाँ? वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे। पैसा लगता है? हाँ पैसा लेते हैं सब। आप तो साधु संत जा सकते हैं? साधु संत की क्या बात होती है, कुछ नहीं। आपका मेल नहीं खाता उनसे? देखिए हम लोग मेल वही से खाते हैं जो हमारे गरीब का प्रधानमंत्री बने का तम नाम, जब हमारे गरीब का न्याय हो, अन्याय उनके साथ न हो। तो जब संत थे तो आज नहीं, पहले से भी संत थे। कौन? आदित्यनाथ। हाँ पहले से संत थे वो, संत थे। आज उनको क्या जरूरत पड़ी है कि यहाँ राजभवन में, यहाँ दिल्ली में आकर के जो वो कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं बताइए हमको। संत के साथ साथ वो देश सेवा भी कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, हाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। सब कुछ मालूम है कि जनता की सेवा जो हो रही है, जनता के सामने आपकी चिल्ला रही है कि हमको जो ना काम करने पर हमको पैसा नहीं मिल रहा, हमको रोजी नहीं मिल रही है, हमको खाने के लिए कपड़ा नहीं मिल, हमको पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कहाँ से आएगा, हम अपने घर कौन सी पैदा करके खाएंगे। स्थिति है यूपी में, बिल्कुल स्थिति है। आप चलकर देखिए तो पहले, कहाँ आप लोग हैं? राम राज आ गया है यार, आप लोगों से क्या बहस करेगा भैया जी, आप लोगों से कौन बहस करेगा बताइए। दिक्कत हमको बहुत है कि हमको दिक्कत यही है कि हमको पहले तो हमको काम नहीं है, हमारे घर में बच्चे बीबी नहीं है का, हमारे पास खर्चा नहीं है का। आप तो बूढ़े हैं, युवा लोगों को काम? अरे ठीक है, अरे हम बूढ़ा तो का करें, हमारे पास बच्चे नहीं है का, हमारे पास बीबी नहीं है का। पाठ करिए ना बाबा मंदिर। अच्छा पूजा पाठ करने से मतलब आप भी पूजा पाठ कर लीजिए, आप क्यों ये करके चल रहे हैं, आप भी पूजा पाठ करके अपना काम करिए। योगी जी बड़ा बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं,
योगी जी मंदिर बनवाने से ये गरीबों का पेट चलेगा, इससे पेट भरेगा, इससे रोजी रोटी चलेगी, भरेगा पेट ये बताइए। हमें काम चाहिए 365 दिन, हमको काम चाहिए, हमको मजदूरी चाहिए। हाँ आत्मनिर्भर बना रहे मोदी जी, आत्मनिर्भर चाहे वो तो मोदी जी का राज है भाई, जो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा वो कुछ भी कर सकते हैं अपने आप के। तो काम कैसे दे सरकार, कहाँ से लाए? काज नहीं कहाँ से देगी सरकार, हमको ये नहीं पता, हमको काम चाहिए और प्लस हमको दाम चाहिए। अच्छा बस वोट देने का नतीजा ही पावल जाता मैंने। अच्छा। और क्या वोट देने का नतीजा है और क्या है? अच्छा मोदी जी को वोट दिया था? बिल्कुल वोट हम लोग नहीं दिए तो कौन दिया है? अब किसको दोगे? अब देखा जाएगा कौन कौन किसको दिया जाएगा। साधु संतों की सरकार है। हाँ हाँ ठीक है, अब देखा जाएगा 2024 में तो इंतजार किया जाएगा भैया। हाँ नाराज हो गए? नहीं नाराज क्यों हो जाएंगे, हमको काम दीजिए ना। हम ना हम गुस्से में नहीं, हमको काम दीजिए और प्लस रोजी दीजिए, हमको रोटी और रोजी चाहिए। पूजा पाठ काम है ना, सभी तो सब काम मांग रहे। पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती के लिए पैसा नहीं चाहिए, मीठा के लिए पैसा नहीं चाहिए, और फूलमाला के लिए पैसा नहीं चाहिए। वो हम घरे जो ना मशीन रखे हैं छापे हैं, छाप कर करेंगे। लेकिन बाबा जी ये बताइए, सब तो काम मांग रहे, किस किस को काम दे मोदी जी? सबको काम देना है, जब सबसे आप मोहर लिए तो सबको काम दीजिए, रोजी रोजी दीजिए, रोटी दीजिए। तिरंगा यात्रा निकालने हैं वो देखिए, निकालवाइए भाई। अब जो कुछ भी करेंगे तो कर ही जो कर रहे हैं तो उनको कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा बताइए? नाराज लग रहे हैं आप मोदी जी? हम नाराज नहीं है, हम अपने लिए मांग रहे हैं कि हमको रोजी और रोटी दें, हम उसे नाराज नहीं है, हमको रोजी रोटी चाहिए भैया 365 दिन का। आप जो ना काम कर रहे हैं, आपको काम करने के बाद दाम नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं? आप नौकरी करते हैं 365 दिन का, खाली एक महीना में साल भर में खाली 1.25 दिन काम करते हैं, काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिला, नहीं मिला सरकार, हम आपके पास पैसा नहीं मिल रहा, नहीं मिला है। कौन खा रहा है फिर इस पैसे? अब कौन खा रहा है, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन खा सकता है? तो सब है आपको बताने रहे। हाँ बताइए ना कार्रवाई। हाँ कार्रवाई तो करेंगे, सब लोग जानता है कि कौन पैसा नहीं दे रहा है। कार्रवाई कर रही है आजकल? हाँ कार्रवाई कार्रवाई होती तो आज 2008 से जो ना जब मनरेगा का काम चला है आज कितना दिन हो गया, कार्रवाई तो हो रही है 2008 से। 2008 से ना हो रहा है भैया जी, 2008 से मनरेगा का काम चला है, आज तक सुधारा हो रहा है। गरीब यही चिल्ला रहे कि हमको रोजी दीजिए रोटी दीजिए, काम करने के बाद हमको पैसा चाहिए, यही चाहिए ना, रोजी रोटी चाहेगी। और उनको धन दौलत से मतलब नहीं है, उनके सोना चांदी से मतलब नहीं है, न उनके हीरा मोती से मतलब है, हमको मजदूरी कराना करना है और मजदूरी लेना है। नहीं मिली मजदूरी फिर क्या करोगे? नहीं मिलेगी हमको उनका करेंगे क्या, वो तो अपने मन के अभी खीर पका रहे हैं। मन की बात करते हैं, खीर नहीं पकाते वो। मन की बात अपने मन के करते हैं ना, झूठ बोलते वो झूठ बराबर बोलते हैं। कहते हैं कि श्रम कार्ड बना लो, मैं तुम्हारे 15 लाख तुम्हारे खाते में भेज दूंगा, लेकिन 15 रुपया नहीं आया। अच्छा 15 लाख आए नहीं आपके खाते में अभी? 15 लाख को कहे लेकिन 15 रुपया भी नहीं आया। अच्छे दिन भी नहीं आए? अच्छा दिन कौन है? अच्छा दिन उनका है, गरीबों का अच्छा दिन नहीं है। झूठ बोल के वोट लिया राजा, और अच्छे दिन नहीं है। अरे भैया देखिए, झूठ बोल करके हम लोग से वोट लिया गया और हम लोग को सताया जा रहा है, और हम लोग को गुलामी के लंग लिया जा रहा है। साधु संत को सताया जा रहा है क्यों? गुरु जी को सताया गया तो हमको कौन सता सकता है? उसको योगी जी खुद साधु है, वो कैसे साधु को सताए? योगी तो पहले के साधु है, आज भी साधु है, लेकिन वो अपने बंसन को खाली लेके चलते हैं, अपने बड़े लोग को ध्यान देते हैं, गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर गरीबों पर ध्यान देते तो आज गरीब इतनी रोड पर नहीं टहलते।